गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7 में विषय सामाजिक विज्ञान में पाठ 6 मध्ययुगीन शासन व्यवस्था और स्थापत्य। बच्चों, हमने इस पाठ को दो भागों में बांटा है, आज हम भाग एक की बात करेंगे। ओके बच्चों, तो हम अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। बच्चों, चौक में कासम वीर का लोक डायरा था, अर्थात एक शहीद के चौराहे पर प्रतिमा बनाई गई थी और उस प्रतिमा की पूजा थी। तो सभी बच्चे आगे की पंक्तियों में आकर बैठ गए थे। वहाँ पर देशभक्ति के गीत गाए जा रहे थे और जो शहीद हुए हैं उनके बारे में कहानियाँ सुनाई जा रही थी। तो उत्सव नाम के बच्चे को स्मारक का वो गीत बहुत ही पसंद आया और अगले ही दिन उसने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, ये स्मारक क्या होता है। बच्चों, आप लोगों को ये स्मारक का चित्र दिखाई दे रहा होगा। ऐसे स्मारक हम हर चौराहे पर देखने को मिलता है। तो दादाजी ने उत्तर दिया कि स्मारक को बलिदान का प्रतीक माना जाता है। स्मारक उन्हीं महान व्यक्तियों का बनाया जाता है जो प्रजा रक्षण एवं कल्याणकारी कार्य करते हैं और देश के लिए शहीद होते हैं। उन्हीं व्यक्तियों का स्मारक हर चौराहे पर बनाया जाता है। बच्चों, आप लोग भी कहीं घूमने गए होंगे तो आप लोग ने भी चार रास्ते के बीचों बीच कई लोगों के या देशभक्तों के स्मारक देखे होंगे, जैसे महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी, बापू, ऐसे अनेक देश वीरों के स्मारक चौराहे पर बने आप लोग ने देखे होंगे। तो दादा, त्योहार के दिन इन स्मारकों की पूजा होती है, शहीदों की वीरता के गीत गाए जाते हैं ताकि छोटे बच्चों और अन्य लोगों को उन वीर लोगों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके और उन्होंने हमारे देश के लिए क्यों बलिदान दिया उसका महत्व वो लोग समझ सकें। तो बच्चों, उत्सव ने और भी जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया तो उनके दादाजी ने कहा कि 2 मिनट रुको। 2 मिनट के बाद वह 2-3 चित्र लेकर आए और बोले कि इन चित्रों में मंदिरें दिखाई देती हैं। पत्थरों को कलात्मक आकार देकर बोलते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आज आपके युग में ऐसी मंदिरें देखना और बनना बंद हो गई हैं। मैं आज से राजपूत युग की संस्कृति और सभ्यता के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। तो बच्चों, उत्सव और उनके मित्रों ने दादाजी की बातों को बड़े ध्यान से ही सुनना शुरू कर दिया। तो बच्चों, दादाजी ने बच्चों को समझाया कि राजपूत युग की शासन व्यवस्था कैसी थी। ओके बच्चों, तो राजपूत काल दौरान संपूर्ण भारतीय प्रदेश पर कोई एक राज्य सत्ता नहीं थी। जैसा कि बच्चों हमने पिछले पाठों में पढ़ा है कि हमारा भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो चुका था। सभी प्रदेश की सीमाएं अपने राजा की सेना शक्ति के आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पार्ट एक में समझाया था कि राजा हर्षवर्धन की निरंतर चलता रहा और बढ़ता रहा, उसी प्रकार सभी राजाओं की सीमाएं घटती बढ़ती रहती थी। जो राजा युद्ध में जीत जाते थे उन राजाओं की राज्य सीमा बढ़ जाती थी और जो राजा युद्ध में हार जाते थे उनकी राज्य विस्तार की सीमा घट जाती थी।
आपने पिछले पार्ट में राजपूत युग में राज्य एवं वंश के बारे में जाना है और पढ़ा है, तो यह आप उस समय की शासन व्यवस्था, साहित्य, स्थापत्य और महत्वपूर्ण ब्रह्म आक्रमणों के बारे में आज हम जानेंगे। तो बच्चों, इस पार्ट में हमें राजपूत युग की शासन व्यवस्था, उस युग के साहित्य, स्थापत्य और भी महत्वपूर्ण बातें हमें जानने को मिलेंगी। तो बच्चों चलो हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, राजपूत युग की शासन व्यवस्था। बच्चों, 7वीं सदी के बाद भारत में कई छोटे बड़े राजपूत वंश शासन करते थे। उस काल दौरान शासक वंशों में कई परिवर्तन आए, परंतु राज के प्रशासकीय में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। अर्थात राजा का पद वंश के आधार पर पारंपरिक रूप से निरंतर चल रहा था। सामान्यतः राजा का ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़ा बेटा ही राजा बनता है, यह नियम आवश्यक नहीं था। इसका कारण यह था कि राजा द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में पसंद किए गए पुत्र को युवराज माना जाता था। ऐसा जरूरी नहीं था कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बने। राजा और तो और लोग एवं राजदरबारी चुनाव करके या पसंद करके भी राजा की नियुक्ति की जा सकती थी। जैसे कि कश्मीर के यशस्करक को ब्राह्मणों की मंडली ने राजा बनाया था, और तो और गुजरात में कुमारपाल को मंत्रिसभा के सदस्यों ने भी राजगद्दी पर बिठाकर योग्य राजा माना था। तो बच्चों, यह जरूरी नहीं था कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बने। जो राजकुमार राजा बनने के योग्य होता था, राजा या मंत्री सभा के लोग उन्हें ही राजा के रूप में पसंद और नियुक्त करते थे। राजा को राज्य व्यवस्थित रूप से चलाने में मदद करने हेतु मंत्री नियुक्त किए जाते थे, जैसा कि हमने गए पाठ में सामंतों के बारे में पढ़ा था कि राजा अकेला ही पूरे राज्य का संचालन नहीं कर सकता, इसीलिए राजा ने अलग अलग विभाग के लिए मंत्री और सामंतों को नियुक्त किया था। राजा प्रजाहित का ध्यान रखते थे। फिर भी कई बार प्रजा राजा के दोषमुक्त युक्त संचालन का भोग बनती थी। कई कई बार ऐसा भी होता था कि कई सारे निर्णय या नियम बनाने में प्रजा को नुकसान भी होते थे, तो इस कारण से वहाँ की प्रजा कई बार राजा का विरोध भी करती थी। तो बच्चों, ये हुआ राजपूत राजाओं के शासन की व्यवस्था। अब हम बात करते हैं कि उस समय गांव की व्यवस्था कैसे चलती थी। तो बच्चों, मध्यकालीन भारत में ग्राम संस्था पंचायत होती थी, जिसे कि बच्चों आज भी कई सारे गांव में पंचायतें होती हैं, और उसका प्रमुख मुखिया या सरपंच कहलाता था। गांव के संरक्षण और न्याय की जिम्मेदारी सरपंच के सर होती थी, और उसके द्वारा दिया गया न्याय अंतिम न्याय माना जाता था। सरपंच के द्वारा किया गया न्याय ही गांव के लोगों को मानना पड़ता था। फिर भी कई बातों में तो गांव की ग्राम सभा भी ही न्याय करती थी और सजा भी करती थी। बच्चों, जब सरपंच को कुछ समझ में ना आए या किसी बात विवाद में वह फैसला ना कर सके, तब वह गांव में ग्राम सभा को यह कार्य सौंप देता था, और ग्राम सभा इस बात विवाद का न्याय करती थी और दोषी को सजा सुनाती थी। आज भी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत या पंच के बुजुर्गों का मार्गदर्शन लिया जाता है। बच्चों, आज भी कई सारे गांव में सरपंच
या बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन या सुझाव लिया जाता है। इस समय राज्य की आय का मुख्य स्रोत जमीन महसूल था, अर्थात राज्य के विकास का महत्वपूर्ण भाग खेती होती थी, जो किसानों से महसूल या कर के रूप में वसूल किया जाता था। किसान भाई राजा को अपने उत्पादन का छठा भाग कर के रूप में जमीन उत्पादन का छठा हिस्सा जमीन महसूल के रूप में वसूल किया जाता था। बच्चों, अलग अलग राज्यों में जमीन महसूल की पद्धति भी अलग अलग होती थी, परंतु कई सारे राज्यों में एक ही नियम चलता था कि किसान भाई अपने जमीन का उत्पादित माल का छठा भाग राजा को कर के रूप में देते थे। इसके अलावा बंदरगाह और नाके पर से भी कर इकट्ठा किया जाता था। सामंत लोग इस कर को इकट्ठा करते थे और राजा को देते थे, और उसका कुछ हिस्सा अपने पास भी रखते थे। तो बच्चों, ये थी गांव की शासन व्यवस्था। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, साहित्य। तो बच्चों, राजपूत काल दौरान धार्मिक एवं अन्य प्रकार के साहित्य अधिक प्रमाण में लिखे जाते थे, ताकि वहाँ के लोगों और प्रजा को अपने धर्म और कर्तव्य के बारे में जानकारी प्राप्त रहे और वह अपने धर्म का पालन करते रहें। इस युग में राजाओं की ओर से विद्वानों और विद्या को खूब प्रोत्साहन मिलता था, ताकि प्रजा में कोई भी अज्ञान ना रहे, सभी को ज्ञान मिलता रहे। इस समय संस्कृत, प्रकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाओं में खूब साहित्य लिखा गया था। संस्कृत भाषा के महान कवि माघ ने शिशुपाल वध नामक महाकाव्य की रचना की थी। बच्चों, संस्कृत भाषा के लेखक महान कवि माघ ने शिशुपाल वध का शिशुपाल का वध कैसे किया गया, किन कारणों से हुआ, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, उसका वर्णन किया गया है। ऐसे ही एक कवि श्री हर्ष ने नल और दमयंती की कथा नैषधीय चरित्र नामक एक महाकाव्य में की है। कहीं राधा आदि गोपियों द्वारा की गई श्री कृष्ण भक्ति के प्रसंगों का रसमय वर्णन किया गया है। ऐसे कई भी काव्य रचे गए हैं जिनमें राजाओं के जीवन चरित्र और शौर्य गाथाओं का वर्णन किया गया है। उदाहरणतः गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल के बारे में हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल चरित्र में लिखा है। बच्चों, आपको हेमचंद्राचार्य का यह चित्र दिखाई दे रहा होगा। इन्होंने राजा कुमारपाल के बारे में एक साहित्य लिखा है जिसका नाम है कुमारपाल चरित्र। बच्चों, ऐसे ही साहित्य अनेकों राजाओं महाराजाओं के जीवन काल से जुड़ा हुआ लिखा गया है। जैसे कि हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र के बारे में कवि ने पृथ्वीराज रासों में संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो बच्चों, ऐसे ही महान राजाओं के बारे में साहित्य लिखे गए हैं। बच्चों, इन्हीं सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ भी लिखा था। हेमचंद्राचार्य ने सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक एक व्याकरण उस समय पाटन शहर में इस ग्रंथ की हाथी पर पालकी निकाली गई थी। अर्थात ये ग्रंथ इतना भव्य और इतना महान था कि इसकी पालकी निकाली गई, अर्थात हाथी के ऊपर इस ग्रंथ को रखकर
पूरे राज्य में घुमाया गया ताकि वहां की प्रजा इस ग्रंथ को देख सके। इस ग्रंथ को पाटन शहर में घुमाया गया था। काव्यों के साथ इस युग में नाटक भी लिखे गए थे। बच्चों, साहित्य और ग्रंथों के साथ साथ राजपूत युग में कई सारे नाटक भी लिखे गए थे। भवभूति ने उत्तम रामचरित नामक एक नाटक लिखा था जो कि नारायण नामक पंडित ने पंचतंत्र के आधार पर हितोपदेश नामक कहानी संग्रह की रचना की थी। हमारी पाठशाला या फिर नज़दीकी पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी में ऐसे कहानी संग्रह या लोक कथाओं की पुस्तकें होंगी। हम लाइब्रेरी या पुस्तकालय में जाकर राजाओं के साहित्य और उनके बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, नाटक लिखा गया और महान कवि भवभूति ने उत्तम रामचरित्र नामक नाटक लिखा। उसी प्रकार नारायण पंडित ने भी पंचतंत्र की कहानी का एक नाटक लिखा जिसका नाम था हितोपदेश। तो बच्चों, इसी प्रकार राजपूत युग में यहीं पर समाप्त होता है। अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।